वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं और हमें ज्वाइन किया है आज हमारे मेहमान में डॉक्टर फरहान जैदी साहब ने फ्रॉम जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, जो कि MBBS है, DFM, MCPS, MRC, GP, UK इंटरनेशनल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। थैंक्स फॉर हैविंग। डॉक्टर साहब, आज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, ओबेसिटी, जो कि एक मोटापा लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एक डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये स्टार्टिंग ऑन अ ट्रिवियल नोट, अब जो शख्स मोटा होता है उसको हेल्दी क्यों कहा जाता है? ये एक्चुअली मिथ है कि जितना ज़्यादा आप खाएंगे, जितना ज़्यादा मोटापा बढ़ेगा तो उनको लगता है कि एक्चुअली वो हेल्दी हैं, बल्कि इन एक्चुअल जो फैक्चुअल बेसिस पे कि वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो हमें जो है उसको चेंज करना चाहिए। और जो हमारी डाइटरी चेंजेस हैं वो रेगुलर जो है उसमें अपनों जो है इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। लेट्स से कि खाने की अगर बात करें तो खाने में जो रेगुलर चीज़ें हम खाते हैं, यानी जो ग्रेन्स हम लेते हैं, यानी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का जो पोर्शन होता है जो हम लोग लेते हैं, तो उसको हमें कम रखना चाहिए। और प्रोटीन और यू नो आप समझें कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो हम लोग यूजली जो है वो सब इतने महंगे हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, बिल्कुल ये क्या बताएं, अब क्या कैसे कॉन्सेंट्रेट करें, अपनी जेब पे बहुत भारी पड़ जाता है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल भारी तो पड़ता है, लेकिन ये चीज़ आप गौर करें कि जो आप अपनी हेल्थ के ऊपर अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो आपको ये ड्राइविंग योरसेल्फ, ड्राइविंग योरसेल्फ अवे फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस, तो आप उस वक्त जो खर्च करेंगे अपनी बीमारी के ऊपर, इस वक्त हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं, ओबेसिटी का जो प्रॉब्लम है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बिल्कुल लोग देखते हैं। अच्छा, इसका बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है डिप्रेशन से, बिल्कुल, कि स्ट्रेस ईटिंग जो होती है कि कुछ नहीं मिला तो खा लो। जिस तरह हमारे पास बारहा हमारे शो पे साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट आते रहते हैं और वो लोग यही बताते हैं कि ज़िंदगी में अगर कभी किसी भी चीज़ की कमी होती है, मोहब्बत की, दौलत की, या किसी भी चीज़ की कमी है, तो वो इंसान खा के पूरी करता है, वो प्लेजर खाने से एसोसिएट कर लेता है। तो आपको ऐसा लगता है कि ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए यू पीपल नीड मेंटल डॉक्टर फॉर साइकेट्री या साइकोलॉजी? अच्छा, एक्चुअली ओबेसिटी मतलब इसकी इसको पहचानने के लिए हम लोगों को इसकी एग्जैक्टली पैथोफिजियोलॉजी के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके हार्मोन सर्ज हो रहे होते हैं, दो हार्मोन्स होते हैं, एक होता है लेप्टिन, एक ग्रेलिन, और इसी तरह मेलानोकॉर्टन्स होते हैं। तो आपका जब डिप्रेशन आता है तो ये हार्मोन्स जो होते हैं एक्चुअली डिपेंड करता है कि किसी में, लेट्स से कुछ डिप्रेशन के पेशेंट्स खाना कम कर देते हैं और कुछ डिप्रेशन के पेशेंट्स जो हैं वो ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन इंडिविजुअल के उसके बॉडी के अंदर कौन सा हार्मोन कम और कौन सा हार्मोन ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादातर जो ये हम बात करते हैं हार्मोन से फाइट कैसे की जा सकती है, थ्रू एक्सरसाइज, यानी जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी सेशाइटी जो होती है वो अर्ली अचीव होती है, हंगर जो होता है, स्पल्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये बहुत कम लोग समझते हैं कि आप एक्चुअली अपने डिप्रेशन से फाइट कर सकते हैं थ्रू एक्सरसाइज।